हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट के अंदर हमने हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, जिसके अंदर हमने कई टॉपिक्स ऐसे पढ़े हैं जो विद्यालय की ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, वो किस वजह से आता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े हैं। और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर है विद्यालय वित्त, यानी जो स्कूल फाइनेंस होता है या फंड होता है। विद्यालय वित्त, विद्यालयी वित्त के स्रोत, मतलब कौन कौन से सोर्स होते हैं इनकम करने के लिए या फिर फाइनेंस के लिए। विद्यालय बजट, बजट निर्माण प्रक्रिया, यानी बजट को किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस। तो आज हम बेसिकली सारा स्कूल फाइनेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। स्कूल फाइनेंस, सोर्स ऑफ इनकम, स्कूल स्कूल बजट एंड प्रोसेस ऑफ बजटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय वित्तीय प्रबंध जो होता है, यानी मैनेजिंग फाइनेंस मैटर्स, इसकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके अंदर है, विद्यालय वित्त से अभिप्राय है उस निवेश से जो शिक्षण संस्थाएं प्रबंधन, जो शिक्षण की संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स होते हैं, उसके प्रबंधन के लिए अथवा व्यवस्था के लिए मानवीय संसाधनों, जैसे मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं किसी भी स्कूल को चलाने के लिए। मानवीय संसाधन मतलब वहाँ के जो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो जो उस स्कूल को चलाने में अपनी भागीदारी देते हैं, और भौतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे हमारा स्कूल हो गया, या स्कूल में यूज़ होने वाली फैसिलिटीज़ हो गई, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें भौतिक आवश्यकताएँ या भौतिक संसाधन होते हैं। तो मानवीय संसाधन में क्या क्या आते हैं? प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, शिक्षक यानी टीचर्स, अन्य कर्मी जो कर्मचारी होते हैं, यानी अदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सब होते हैं मानवीय संसाधन। और भौतिक संसाधन में क्या आता है? भवन, उपकरण आदि करते हैं। यह विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला धन है, मतलब ये जो धन है वो इन सब चीज़ों में, मानवीय संसाधन में और भौतिक संसाधन में हेल्प करता है, ताकि शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और विद्यालय को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय के स्रोतों का सृजन, यानी स्थापना, क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर स्कूल। स्कूल का जो फंड है, या उसको किस तरीके से, उसके रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए या क्रिएट किया जाए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उत्तरदायित्व अत्यंत व्यापक है, मतलब जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, वाइडर है, मतलब वो हर जगह अपना एक जो उनका डिसीजन होता है, उनके बिना कोई भी डिसीजन विद्यालय के किसी भी क्षेत्र में नहीं होता। वह केवल शैक्षिक प्रशासन और व्यवस्था ही नहीं करता, वरन विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी करता है, और विद्यालय की सृजनशीलता हेतु नए स्रोतों की व्यवस्था करता है। मतलब विद्यालय के लिए जो भी व्यवस्था उसे करनी है, उसके अंदर जो भी क्रिएटिंग करना है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है, ये चीज़ एक जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, उसके लिए ही सॉरी उसके ऊपर ही ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वही ये सारे काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ स्कूल फाइनेंस। शैक्षिक कार्यों को वित्तीय वर्ष में संपन्न कराने हेतु, मतलब पूरे जो वित्तीय वर्ष होता है उसके अंदर संपन्न कराने हेतु जो धन प्राप्त होता है, वह वर्ष की शैक्षिक आय कहलाती है। मतलब पूरे वर्ष की जो शैक्षिक आय है, एजुकेशनल फंड है, वही कहलाती है। और वे साधन अभिकरण तथा मद जिनसे आय प्राप्त होती है, उसे शैक्षिक आय के स्रोत कहा जाता है। दो प्रकार के स्रोत होते हैं जो शैक्षिक आय के स्रोत होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सार्वजनिक स्रोत यानी पब्लिक रिसोर्स, सेकंड है हमारा निजी स्रोत यानी प्राइवेट रिसोर्स। तो सबसे पहले हम इनकी अलग-अलग इंट्रो देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे एक तरीके से। सार्वजनिक स्रोत का देखेंगे हम सबसे पहले, यानी पब्लिक रिसोर्स।
सार्वजनिक स्रोत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, स्थानीय शासन, नगर निगम या नगर पालिका, जिला परिषद की सहायता से धन आता है। मतलब ये सब जो एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या जो सार्वजनिक तरीके से जो भी स्कूल ऐसे खुले होते हैं, उनका स्रोत कहाँ से, उनका जो फंड है वो किन स्रोतों से आता है, वो इन्हीं सब के स्रोतों से आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो इसके अंदर टोटली दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे निजी स्रोत। निजी स्रोत क्या होते हैं? प्राइवेट रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत स्थायी विधि, शाला शुल्क, चंदा व दान, जुर्माना, अन्य स्रोत, शैक्षिक अनुदान और शैक्षिक अनुदान आदि आते हैं। इसके स्रोत कुछ निम्नलिखित हैं। स्थायी निधि, सेकंड है हमारा शाला शुल्क, थर्ड है चंदादान, फोर्थ है हमारा जुर्माना, फिफ्थ है अन्य स्रोत और सिक्स्थ है हमारा शैक्षिक अनुदान। तो ये था निजी स्रोत। आगे हम देखेंगे विद्यालय बजट का अर्थ क्या होता है। अभी तक हमने देखा फाइनेंस कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स के जरिए आता है। अब हम देखेंगे विद्यालय बजट का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ स्कूल बजट। इसके अंदर क्या है? बजट एक वर्णन है, विवरण पत्र है, कथन है, जिससे एक वित्तीय वर्ष, मतलब पूरे साल का जो एक वर्ष होता है, पूरा जो वर्ष होता है, अथवा निश्चित अवधि की का आय और व्यय का, मतलब आने का और जाने का, आय का और व्यय का अनुमान होता है। मतलब कितना आया है फंड और कितना इन्वेस्ट किया गया। अतः बजट में वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय व्यवस्था का अनुमान तथा वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव सम्मिलित रहता है। बजट को मुख्यतः तीन भागों में तैयार किया जाता है। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला है हमारा शैक्षिक योजना, जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी योजना बनती है, कोई भी प्लान बनता है। सेकंड है व्यय योजना और आय योजना। तो ये तीन योजनाएं बनती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बजट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर नियमित बजट यानी करंट बजट, जो नियमित रूप से आ रहा है। नियमित बजट जो होता है वो नियमित रूप से आता है और उसके अंदर जो जो स्पेंड किया जाता है उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। सेकंड है दीर्घकालीन बजट यानी लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म बजट। थर्ड है इसमें निष्पादन परक बजट, इसमें क्या है? परफॉर्मेंस बजट। फोर्थ है इसमें भवन बजट यानी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी ऐसा बजट है वो रेडी किया जाता है, उसको कहते हैं बिल्डिंग बजट। फिफ्थ हमारा इसके अंदर विभागीय बजट यानी डिपार्टमेंटल बजट, जो डिपार्टमेंट के लिए आता है। स्कूल के अंदर अलग अलग प्रकार के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग बजट्स की ज़रूरत होती है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वर्क, अपने अपने फैसिलिटीज़ के हिसाब से बजट बजट के लिए अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं और बजट उसी के जरिए लिया जाता है। जो भी फंड है वो इसी प्लानिंग के माध्यम से लिया जाता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर विशिष्ट प्रोजेक्ट बजट, यानी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो स्पेशल प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय बजट की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ स्कूल बजट। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले फर्स्ट है हमारा बजट बनाने की तैयारी, यानी जो बजट है उसकी, उसको बनाने की तैयारी होती है सबसे पहले। सेकंड है इसके अंदर बजट की संरचना यानी आय व्यय का पूरा संतुलन, की क्या कितना हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना फंड जो है वो मिलेगा, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर जो भी बजट की संरचना है पूरा स्ट्रक्चर बजट का बनाया जाता है। थर्ड इसके अंदर बजट का अंतिम रूप, मतलब बजट का एक अंतिम रूप तैयार किया जाता है सारी चीज़ों को डिसाइड करके और पूरी एक तरीके से मीटिंग या कमिटी बना के। फोर्थ है इसके अंदर बजट की स्वीकृति, यानी बजट की स्वीकृति होती है, वो बजट पास किया जाता है, उसके बाद बजट का क्रियान्वयन होता है यानी उसको फाइनली रेडी करके पास कर दिया जाता है और वो कार्य करने के लिए अनुमति होता है, यानी उसको एक परमिशन वहां से मिल जाती है उस बजट को। सो इसके अंदर हमारा जो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। फिफ्थ पॉइंट की जगह हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा और फोर्थ की जगह फिफ्थ पॉइंट आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। आई थिंक आपको भी ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कूल का फाइनेंस क्या होता है, सोर्स क्या होते हैं इनकम के, मतलब किस तरीके से इनकम करते हैं और उसके क्या क्या सोर्स होते हैं किसी भी फंड को या बजट को बनाने के लिए। स्कूल बजट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।